हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का चैप्टर 10 है। आशा है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी। आइए आज नया सेंटेंस लेते हैं। कृपया कुछ दवाइयाँ लिख दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ दवाइयाँ लिख दीजिए। प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स डॉक्टर कह सकते हैं। डॉक्टर प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स। डॉक्टर प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स। डॉक्टर प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। विशेष रूप से जब दवाइयों की सलाह देनी होती है डॉक्टर से तो इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्रेस्क्राइब। तो प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स। डॉक्टर के बाद थोड़ा रुकेंगे। डॉक्टर प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स। डॉक्टर प्लीज़ प्रेस्क्राइब सम मेडिसन्स। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, अगर आप बोलेंगे तो आप बहुत परफेक्ट होते जाएंगे। चार्जर हटा दो। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। सॉकेट होता है ना, जो मतलब जिसमें प्लग होता है, जब हम प्लग में लगाते हैं ना चार्जर, तो जब उसे हटाएंगे तो कहेंगे अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। चार्जर है ये, है ना। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। अनप्लग द चार्जर, ये CHEARGER है, मेरे से गलत हो गया है, आप सही कर लीजिए। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम सॉकेट। तीसरा सेंटेंस जो हमने लिया है वो लिया है मुझसे शाम को मिलना। मीट मी इन द इवनिंग। मीट मी इन द इवनिंग अक्सर हमें कहना होता है, तो मीट मी इन द इवनिंग। छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो बड़ा आराम से आपकी हेजिटेशन को अनलॉक करने के लिए ये छोटे छोटे सेंटेंस की वीडियो बनाई जा रही है। इस सवाल को हल करने में मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। सम माने सवाल और सॉल्व माने हल करना। प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। सॉल्व के बाद रुकेंगे, दिस के बाद रुकेंगे। प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। 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 अगला सेंटेंस है, अब इसके बुरे नतीजे झेलो। भुगतो, है ना, भुगतो होता है ना, अब इसके बुरे नतीजे भुगतो। नाउ बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज, देखिए ये वर्ड अकेले में डिफ़िकल्ट है ना, तो इसे अकेले 3-4 बार प्रोनाउंस कर लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, अब इसके बुरे नतीजे भुगतो। नाउ बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज में बुरे नतीजे दोनों आ जाएगा। Now bear its consequences. तो इस तरह से ये हमारे 5 sentences थे। बड़े छोटे छोटे sentences लिए हैं without feeling bore. अगर आप 3-4 बार वीडियो देखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस एक एक वीडियो देखकर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। फिर आप आगे भारी चीज़ें जो हैं, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, वो भी सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। वीडियो का ये स्पेशलिटी है कि मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं लेकिन वोकेबुलरी बहुत अच्छी ली है, यानी शब्द बहुत नए नए लिए हैं। तो आप छोटे छोटे नए शब्द सीखते चलिए, इससे पता क्या होगा, इससे आप अखबार भी पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे। मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, आपको चढ़ा नहीं रही हूँ, आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। क्योंकि जब आपकी वोकेबुलरी एनहांस हो जाएगी तो आपको आगे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा फिर। तो शेयर करिएगा वीडियो अगर अपने दोस्तों के साथ, और अगर अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करिएगा, हमारा चैनल अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।